हाय गाइस, चलते हैं आज डिक्टेशन क्लास। डिक्टेशन क्लास में आज आशुलिपिक श्रुति लेखन यानी डिक्टेशन स्पीड करेंगे, यानी 400 वर्ड का। और हर प्रकार के आपको 80 वर्ड, 120 और 100 वर्ड मिलेंगे पर मिनट, तो इसमें देखेंगे आज। और मेरे चैनल पे यदि आप जुड़ना चाह रहे हैं तो मेरे जो चैनल है दिल्ली शॉर्ट हैंड क्लासेस को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो पसंद में आए, डिक्टेशन यदि आपको पसंद में आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरा वीडियो और मेरा क्लास मतलब आपके दोस्त यार के पास पहुंचे, ठीक। और ये इसमें ये बेलगंडी जो है उसे दबाएं, ताकि कोई भी हम आपको ये डिक्टेशन क्लास या जो भी शॉर्ट हैंड का क्लास यदि हम वीडियो अपलोड करते हैं या क्लास चलाते हैं तो आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलते हैं, समय को लेट करते नहीं, देरी करते नहीं, समय चलते हैं आगे। इसका प्रतिलेखन संख्या 1 है और इसमें चलते हैं कितने, यानी 3 सेकंड में आपको टाइम स्टार्ट होगा। और पहला आपको 80 वर्ड मिलेंगे पर मिनट। चलते हैं 3 सेकंड में, रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, प्रारंभिक समय में तो हथकरघा उद्योग ने काफी प्रगति की, किंतु मिलों के वस्त्रों के प्रचलन में आने पर यह उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस कारण यह कि मिलों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की कीमतें अपेक्षाकृत कम होती हैं, साथ ही उपभोक्ता मिलों द्वारा उत्पादित भिन्न भिन्न रंगों और डिजाइनों की वस्त्रों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। परिणाम स्वरूप मिल वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा में हथकरघा वस्त्रों का टिकना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसके विपरीत हथकरघा वस्त्र परंपरागत व प्राचीन फैशन के होने के कारण कई बार महंगे भी होती हैं। मिल वस्त्रों की प्रचलन में आने और हथकरघा वस्त्रों के अप्रचलित होने का प्रभाव यह हुआ कि हथकरघा वस्त्रों की मांग अतः कम हो गई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक तो हथकरघा उद्योग द्वारा उत्पादित वस्त्रों की मांग विश्वव्यापी थी। भारत के अन्य प्रांतों के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी हथकरघा वस्त्रों का निर्यात विदेशों को किया जाता था, किंतु मिल प्रणाली के प्रचलन में आने से अब इन वस्त्रों की मांग स्थानीय होकर रह गई है। स्थानीय स्तर पर भी हथकरघा वस्त्रों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। हथकरघा उद्योग में 2 प्रकार के श्रमिक कार्यरत हैं। एक तो वे जो बुनकरों के परिवार के सदस्य हैं, जिनमें महिलाएं व बच्चे भी सम्मिलित है, और दूसरे वे जो बाह्य श्रमिक हैं। प्रत्येक हथकरघा में 2 श्रमिक परिवार के सदस्य हैं तथा कम कर्घों पर बाह्य श्रमिक कार्यरत हैं। परंपरागत उद्योग होने एवं सस्ती श्रम सुविधा उपलब्ध होने के कारण इस उद्योग में बुनकरों व श्रमिकों की पूर्ति की समस्या नहीं है, बशर्ते उनके प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इनके कार्य के घंटे
अपेक्षाकृत अधिक हैं। मजदूरी की दर में भिन्नता और मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित न होने के कारण श्रमिकों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इसके अलावा जब किन्हीं कारणों से वस्त्र उत्पादन कार्य 2-3 दिन तक बंद रहता है तब इन्हें कार्य की हानि होती है जिससे उनका आर्थिक नुकसान होता है। बुनकरों में संगठन एवं सहयोग का अभाव भी उनके शोषण का कारण है। हथकरघा उद्योग में विनियोजित पूंजी प्रायः बुनकरों के स्वयं के साधनों से प्राप्त की गई है, लेकिन कुछ ऐसे भी बुनकर हैं जिन्होंने संबंधित विभाग से ऋण ले रहा है। तो स्टॉप इसमें देखिए, जहां भी आप कुछ सेकेंड के लिए रुके होंगे, कुछ सेकेंड के लिए, लगभग आधा सेकेंड, एक सेकेंड, वहां पे आपको खड़ी पाई होगा और एक सेकेंड से ज्यादा होंगे, डेढ़ सेकेंड, सवा सेकेंड, तो वहां पर आपको पैराग्राफ चेंज किया गया होगा। ठीक, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट। आपको ये 80 शब्द पर मिनट था, अगर नेक्स्ट मिलेगा 100 और 120।